ये रेती बालू गिट्टी वगैरह ये जैसे। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी देख सकते हैं ट्रैक्टर का जो झाल है यानी ऊपर का ये जो छत, इसको कल ही लगाया गया क्योंकि अब कहा जाए तो अपना ईंट भट्ठे का सीजन आ गया यानी काम करने का। तभी ये देख सकते हैं ट्राली भी जैसे कि मतलब जब से लाई गई थी बरसात के समय से वहीं की वहीं पर खड़ी हुई है। और इंजन का भी कहा जाए तो इंजन में अभी यही बस टब इसका मतलब बदले थे क्योंकि ये उस समय का पानी पड़ पड़ के फट गया था। और अभी इसको इस प्रकार ढका हुआ क्योंकि रात में कहा जाए तो थोड़ा शीत गिरता है जिसकी वजह से मैं पड़े ना। और ये गाड़ी भी कुछ इसी प्रकार रखी गई क्योंकि उसमें अब इस तरफ से भी नदी और उस तरफ से भी नदी तो इतना काम नहीं रहता है, इसलिए बरसात में पूरी तरह ये खड़ी रही। और अब जैसे कि सीज़न आ गया है ईंट बनाने का, तब कुछ ना कुछ काम शुरू होगा। इसमें का जो इंगल वगैरह लगा था यानी भूसा लाने के लिए जो भी इंगल लगा था तो उसको भी निकाल दिया गया है। अब दो इंगल भी रखे हुए हैं और उसमें भी कुछ रखा हुआ है, तो अब इसको पुनः ला के पुनः फिट करना पड़ेगा। फिर हो सकता है जिसमें भूसा वगैरह या फिर जो भी लगेगा ना तो उसको फिर बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों कहा जाते हो इस गाड़ी को आज पूरे 3 साल हो गए हैं लिए हुए, यानी आयसर ये 242 आयसर 242 है, यानी आयसर 242 यदि कहा जाए तो एक पिस्टन का, जो कि कहा जाए तो ट्रांसपोर्टिंग के मामले काफ़ी अच्छा है और कृषि के मामले भी काफ़ी अच्छा है। यदि आप अपनी स्वयं की खेती करते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसमें कहा जाए तो एक पिस्टन होने की वजह से तेल मतलब तेल भी काफ़ी कम पीता है अदर गाड़ी के मुताबिक, यानी जो 3 पिस्टन की गाड़ी होती है उसके मुताबिक यह काफ़ी तेल कम पीता है। तो ये काफ़ी अच्छा है और सब गाड़ी से मतलब ट्रैक्टरों से कहा जाए तो थोड़ा कम प्राइस में मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो इसी से मतलब कहा जाए तो ट्रांसपोर्टिंग वगैरह या फिर कृषि का कार्य किया जाता है। तो कहा जाए तो आज जैसे 3रा साल है यानी इस साल से यह गाड़ी फाइनली फ्री हो जाएगी, यानी इसका किस्त जो होता है तो पूरी तरह से पेमेंट हो चुका रहेगा। दोस्तों खुद की गाड़ी होने पर अपना काम काफ़ी अच्छे से हो जाता है, जैसे कि यदि अपने पास गाड़ी नहीं रहती तो ऐसा रहता है ना कि कहीं पर यदि आपका काम हो जैसे लकड़ी वगैरह या फिर भूसा वगैरह के लिए जाना है तो आपको पहले से ही बताना पड़ेगा। फिर उसमें भी ऐसा रहता है कि वह उस दिन समय पर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिल पाए। लेकिन अपने पास गाड़ी होने पर अपने को टाइम निकालना पड़ता है, यदि आपका आज ही बन रहा है तो आज ही ले जा सकते हो या फिर अपना काम कर सकते हो, इस प्रकार होता है। तो ये कहा जाए तो अपनी गाड़ी जैसे है तो ये काफ़ी मतलब अपने काम सरल कर देती है, जो भी काम बचा रहता है जो भी काम करने के लिए। इसमें मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं रहता कि जो काम आज करना है तो आज ही करो, कल भी कर सकते हो। लेकिन जैसे दूसरी गाड़ी होती है, जैसे आप जो गाड़ी किराए से लाते हैं तो उन गाड़ी को उतना मतलब समय नहीं मिल पाता, हो सकता है वो और भी कहीं पर लगी हो या फिर और भी कहीं काम लिए हो, तो उसमें नहीं बन पाता इतना जितना अपनी स्वयं की गाड़ी में बन पाता है। तो दोस्तों जैसा कि ट्रांसपोर्टिंग के मामले में की जाए तो यदि ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग जैसे की जाती है रेती बालू गिट्टी वगैरह ये जैसे अगर ट्रांसपोर्टिंग की जाए तो उसके मामले में यदि आप दो चक्के गाड़ी यानी दो चक्के वाली ट्राली जैसे प्रेशर वाली जो ट्राली होती है तो वो दो चक्के में होती तो वो काफ़ी अच्छी होती। लेकिन आपको जैसे गाँव में ऐसे जगह पर ले जाना है जो काफ़ी मतलब ऊपर नीचे अप डाउन है तो ऐसे मामले में दो चक्का उतना नहीं चल पाती, यानी दो चक्के प्रेशर वाली ट्राली उतना नहीं, उसके लिए चाहिए आपको 4 चक्के वाली ट्राली क्योंकि 4 चक्के में चारों में बैलेंस होती है, जबकि 2 चक्के वाली ट्राली जो होती है तो उसमें बैलेंस नहीं होता तो उसके लिए थोड़ा जगह बराबर हालांकि थोड़ा बहुत चल जाता है लेकिन ज़्यादा ऊँच नीच होने पर वो नहीं होते। लेकिन 4 चक्के ट्राली में एक खासियत ये होती है कि जैसे आपको भूसा वगैरह लाना है या फिर कुछ ऐसा सामान लाना है जो बहुत ज़्यादा है और बहुत हाइट पर लाना है तो 4 चक्के ट्राली में यदि भर के लाते हैं तो उसमें कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सहूलियत रहती है, जबकि 2 चक्के में यदि ज़्यादा ऊँच भर दिया जाए और ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत गड्ढा होता है तो वो थोड़ा गिरने का या पलटने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो अपनी अपनी जगह पर ट्रालियाँ भी सही हैं ट्रांसपोर्टिंग के मामले में, यदि आपको जल्दी चाहिए तो 2 चक्के ट्राली प्रेशर वाली काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन यदि आपको नॉर्मली अपने लिए करना है तो 4 चक्के ट्राली काफ़ी अच्छी है, उसमें क्या ज़्यादा जगह भी रहती है 2 चक्के ट्राली के हिसाब से। तो ये ट्राली भी जैसे कि हमारी ट्राली अभी ये देख सकते हैं 4 चक्का वाली ट्राली है, इसका जो टूल बॉक्स है तो टूल बॉक्स तक पूरी तरह ख़त्म है, ऊपर से इस तरफ है नीचे से इस तरफ ये काफ़ी ख़त्म हो गया है। और टायर कहा जाए तो एक टायर हो सके तो इस साल में शायद चेंज करना पड़ेगा, इस साइड का वो तो काफ़ी अच्छा है लेकिन ये वाला थोड़ा टायर चेंज करना पड़े, बाकी अंदर से कुछ इस प्रकार है। इस टायर को अभी तो हो सकता है ठंड के समय में चल जाए लेकिन गर्मी के दिन में ये चेंज करने लायक होगा क्योंकि ज़्यादा पुराना रहेगा तो पंचर ज़्यादा होगा। कि ये भी टायर थोड़ा है लेकिन ये इस साल हो सकता है ये चल जाए। और गाइस इस साइड है टंकी बनी हुई है, ये नहाने धोने के लिए कपड़े धोने के लिए यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर ये कुछ अमरूद है जो कि इसको आज तोड़ते हैं देखते हैं कितना निकलता है।
करीबन यहाँ पर ना 4-5 पेड़ हैं वैसे तो, लेकिन सभी एक साथ नहीं फले हुए हैं। मतलब अभी ये जैसे ये वाला फल रहा है तो उसके बाद वो वाला फल देगा, उसके बाद वो, मतलब सभी में फल लगे लेकिन अभी पके एक ही है, अभी यही वाला अमृत पके, इसके बाद ये वाला पकेगा, ऐसे क्रम से चलता रहता है। तो काफ़ी अच्छा भी है, एक साथ नहीं पकता है तो। और यहीं पर नहाने का, यहीं पर ये लगा हुआ है किनारे किनारे में, यही पानी हो जाता है जैसे नहाने वाला जो पानी आता है ना, तो इस साइड आ गया तो ये, मतलब कहा जाए तो अमरूद सूखते नहीं है, गर्मियों में भी इसी प्रकार रहते हैं। तोड़ने पर अभी करीबन इतने अमरूद निकले हुए हैं यहाँ पर, और भी काफ़ी ऊपर ऊपर में है तो उनको नहीं निकला गया, और बहुत सी तो चिड़िया लोग खा गई हैं। पूजा कितना मिल गए अमरूदे अमरूद, ठीक है। तो गाइस इतने अमरूद मिले हुए हैं, और मतलब कहा जाए तो और गिर गए हैं और बचे हुए हैं, तो और काफ़ी ज़्यादा मतलब कहा जाए तो पंछियों ने खा लिया है, इतने बचे हुए थे, यदि इसको ना तोड़ता था ये इसको भी खा ही लेते, इसलिए इसको तोड़ दिया गया। प्रकार कहा जाए तो अभी जैसे कि सीजन है तो मतलब वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं अमरूद के, लेकिन हमेशा एक साथ नहीं बढ़ता, मतलब एक के बाद ऐसे मतलब फलता रहता है, तभी कहा जाए तो एक ही पेड़ का है तो उतने अच्छा निकला हुआ है, तो काफ़ी अच्छे पक भी गए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।